पाई नहीं हो पाएगा। बैंकों के निजीकरण को लेकर दक्षिण बिहार मध्य ग्रामीण बैंक कैमूर के कर्मी विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। बैंक कर्मियों ने कहा कि कोरोना काल में भी दक्षिण मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का काम बेहतर रहा है। गरीब और छोटे छोटे लोगों को कर्ज देकर उन्हें व्यवसाय करने में सहयोग किया गया है, लेकिन बैंक के इतना सराहनीय काम करने के बाद भी सरकार का जो निर्णय है वो गलत है। बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में 2 दिन तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। ये वर्तमान की जो परिस्थिति में मोदी सरकार विगत 8 साल से जो कार्य कर रही है वो सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ही इनका सारी नीति बनी हुई है। एक बात हमारे देश के सारे जनता को समझ लेनी चाहिए कि जो पूंजीपति बैंक से भारी भारी लोन लेने के बावजूद डिफाल्टर हो जाते हैं, आज उनके पास इतनी पूंजी कहाँ से आ जाती है कि उसी बैंक को इन्वेस्ट करने के लिए, उसी बैंक को खरीदने के लिए अपनी पूंजी लगा रहे हैं। यानी कि उनकी जो भी लोन है वो NPA हो जा रही है और उसके बाद वो उसी पैसे से बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके उस बैंक को प्राइवेट करके और अपने सारे लोन जो एक तरह से हमारे देश की पूंजी को डुबा दिए हैं वो जो है सारे लोन को ये अपने फेवर में करके उस पूरे बैंक को जड़ से धराशायी करने की स्थिति में आ गए।